अब जैसे पठान थी इट इट सो वेल एंड इट डिट क्रिएट हिस्ट्री इन इट्स ओन वे सी इन दैट केस तो अब ऑल ऑल द आर के कमिंग ऑन ऑन दी टी स्पेस जहाँ भी कॉन्टेंट अच्छा होगा और परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी वो चलेंगे हाय मानुप्रिया गोयंका एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज अब जैसे पठान थी इट इट सो वेल एंड इट डिट क्रिएट हिस्ट्री इन इट्स ओन वे लोग गए ना उसको देखने उस वक्त भी मेरे ख्याल से चीज़ें तो आ ही रही थी ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पर मुझे अभी लगता है कि इट्स अ लॉट टू डू ऑफकोर्स उससे फ़र्क पड़ा है ओ टी टी हैज़ बिन अ गेम चेंजर एंड बट मुझे लगता है कि फिल्म ऑलवेज बी एज इम्पॉर्टेंट आई डोंट थिंक दैट विल कम्प्लीटली गो अवे मे बी एट बेस्ट ये हो सकता है कि सर्टन काइंड ऑफ फिल्म जो जिनका एक एक सर्टन स्केल होता है एक विजन होता है वो शायद ज़्यादातर यू नो बिग स्क्रीन्स के लिए बनेंगी और कुछ से कुछ तरह का कॉन्टेंट ओ टी टी स्पेस के लिए बनेगा चाहे वो फिल्म हो चाहे वो सीरीज़ हो जहाँ आपको लगेगा कि यार ये स्मॉलर स्क्रीन पे देखकर भी उतना ही ज़्यादा इंजॉय करा जा सकता है लाइक पदमावत वुड ऑलवेज बी ओन

स्पेस है रिदम है एक तरह का कंटेंट जैसे मैंने वही बोला असुर जैसा कंटेंट आज आप फिल्म्स में नहीं बना सकते हो अगर बनेगा तो बहुत अलग तरीके से बनेगा उसका पूरा डायनामिक्स ही अलग हो जाएगा यू नो द कैरेक्टर्स विल लुक डिफरेंट द वे द सीरीज इज पेस्ड आउट विल बी वेरी डिफरेंट आई मीन द कॉन्टेंट सो दोनों चीज़ें अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं कुछ कुछ चीज़ें फिल्म के लिए सही हैं कुछ चीज़ें सीरीज के लिए सही हैं और मेरे लिए फिल्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट आई आई रियली थिंक दट दी वी नीड टू गेट दी ऑडियंस बैक टू द थिएटर वी नीड टू गिव दैम रीजन्स टू नाव लीव देयर कंफर्टेबल सीट्स नाओ मेक दैट काइंड ऑफ एफर्ट गेट द फैमिली टूगेदर गेट द फ्रेंड सर्कल टुगेदर इन्जॉय द मूवी इन थियेटर्स एज दे डिड अर्यर एंड ऑल्सो मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर देम आई थिंक एक तरीके से वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है कहीं ना कहीं कि अब वो लोग उसके बारे में सोच ही नहीं रहे क्योंकि पता है कि अच्छा दो हफ्ते बाद इट विल बी आउट ऑन एन ओ टी टी प्लेटफॉर्म बट उसकी वजह से आई थिंक वी आर रियली सफरिंग ऑल्सो राइट एज एन इंडस्ट्री एंड फिल्म का एक अपना जगह है वी ग्रो नॉचिंग इट वैन यू सी समथिंग ऑन द बिग स्क्रीन इट डज गिव यू अ सर्टन हाई एंड यू डू रिलेट टू योर स्टार्स एंड योर एक्टर्स इन अ डिफरेंट वे तो वो आई डोंट आई वुड नेवर वॉन्टेड टू गेट फेडेड आउट सो ओ टी टी हेज गिवन अ लॉट टू अस एक्टर्स टू ऑल डिरेक्टर्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स एंड Uh, uh, people are a part of the industry. It has given a lot to us, and there is it इज़ इट कैन ओनली ग्रो फ्राम यर आईडली अंटिलेस वी मेक इट अ नंबर गेम अगैन अगर हम वही वापस करने लग जाएंगे कि production values पे कॉम्प्रोमाइज करने लग गए नंबर्स गेन बनाने लग गए तो वो टी बन जाएगा वापस जो मुझे डर लगता है जिस बात से एंड उसके भी अपने reasons होते हैं आई थिंक एज अ कम्युनिटी ऑफ इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री वी शुड ऑल सिट together. And figure out. I was having this dialogue with a producer one day and with a channel person. I said, "Why wouldn't you ask actors to come and help you in a certain way? If you feel that you're not getting those kind of subscriptions where you can make, uh, you know, con make content that is far more expensive and is, is you know catering to a certain standard, because it is not creating that kind of revenue system, then get the people." स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व एंड सी क्या किया जा सकता है तो वो एक जो फोर्थ लाइन है ना हमारे मतलब एक लाइन है बिटवीन डायरेक्टर्स, एक्टर्स वो शायद कहीं ब्रेक करनी ज़रूरी है बट ये कहना कि ओ से ज़्यादा मिलता है फिल्म में आई मीन दीज दीज क्वेश्चन फॉर मी आर आई मीन दे डोंट मेक सेंस टू मी पर्सनली दोनों चीज़ें अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है ना like जहाँ भी कॉन्टेंट अच्छा होगा और परफॉर्मेंसेज़ अच्छी होंगी जहां आपके बाज़ हायर होंगे वो चलेंगे ये पहले भी हुआ है फिल्म्स के साथ मुझे लगता है कि आज कुछ कल्ट फिल्म्स जो आज हमारे ज़माने की अब की कल्ट फिल्म्स हैं वो शायद बॉक्स ऑफिस पे उस वक्त नहीं चली थी बिकॉज लोगों ने वो चीज़ उस वक्त नहीं समझी थी अब शायद होपफुली वो होने के चांसेस कम हो बिकॉज़ पहले शायद वर्ड ऑफ माउथ इतनी जल्दी नहीं फैलता था इतना सोशल मीडिया नहीं था इतना लोगों को पता नहीं चलता था वॉट इज़ बिंग अप्रिसिएटेड आज अगर कोई भी फिल्म आज शायद मुझे लगता है कि आज अगर अंदाज अपना अपना निकलेगी तो विद इन अगर वो फिल्म अंदाज अपना अपना जितनी अच्छी है तो विद इन टू या थ्री या फोर डेज पीपल विल टॉक अबाउट इट पीपल विल कम टू नो अबाउट इट मे बी अर्लियर दे डिड नॉट और मुझे लगता है कि पीपल आर हंग्री फॉर गुड कॉन्टेंट दे आर हंग्री फॉर अ गुड लाफ दे आर हंग्री फॉर सिटिंग ऑन द एज ऑफ द सीट्स

मच ऑफ नॉलेज ऑन आई डोंट नो बट अगर मैं उनका उनका जब आ, उनके प्रोजेक्ट्स एज ए व्यूअर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि देव गॉट द पल्स ऑन दी ऑडियंस सम वे टू पुट एवरी थिंग सिंपली अब उसके पीछे नंबर डायनमिक्स क्या है मुझे शायद उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है बट प्योरली एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एज ए व्यूअर आई फील कि उनके कॉन्टेंट वो एक कुछ पकड़ के रखा है उन्होंने और वो शिद्दत दिखती है जो हमारे यहाँ कभी कभी लूज हो जाता है और जब कुछ बहुत अच्छा होता है तो वो चलता है यू नो स्टार वैल्यू भी उतनी इम्पोर्टेंट है लाइक uh, कंटेंट like उतना ही ज़रूरी है बट आई फील आज की तारीख में जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है स्टार वैल्यू शुड मेक इट बेटर इट शुड नॉट कॉम्पनसेट फॉर बैड कॉन्टेंट यू अंडरस्टैंड वो लॉजिक ही नहीं होना चाहिए ना तीनों चीज़ें एक कॉन्ट्रोवर्सी पर मैंने कभी बिलीव नहीं किया मुझे कभी नहीं लगता है कि कॉन्ट्रोवर्सीज शुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रोजेक्ट टू डू वेल बिकॉज आप आगे क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ें खराब बनाएं हम बस नंबर गेम्स खेलें और अगर हमें लगता है कि अच्छा ये तो हमने गड़बड़ कर दी तो हम कॉन्ट्रोवर्सी डाल दें उससे किसको फ़ायदा हो रहा है आदि एक्टर्स इंग सेल्स मोर आ द प्रोडूसर्स इन जॉइंग दमसेल्स मोर आद दडियसज इन जॉइंग दमसेल्स मोर एंड यू फीडिंग ऑडियंस Rather than ticking their brains and making them, you know, enjoy what they watch for two hours, you are actually just getting them entertained over two minutes of a video that they watch somewhere, or some piece of news that they read somewhere, and because of that they watch a film. mujaneel audiences today are very intelligent. I would like to believe that. You know? They're very, very intelligent. Let's give them I'm saying. Ki wo, wo दीज आर नो ब्रेनर्स टू बी ऑनेस्ट आई थिंक स्टार सिस्टम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट दे हैव गिवन अस अ लॉट येस टूडे कॉन्टेंट हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आज ओ टी टी से ये अच्छा बहुत बात हुआ है कि आज बिना स्टार बने भी कोई स्टार बन सकता है मतलब यू कैन बिकम समबडी फ्रॉम अ नो बडी जस्ट बिकॉज यूर अ गुड एक्टर और यू गॉट अ चांस टू एक्ट इन समथिंग विच हैज़ अ ग्रेट स्टोरी लाइन एंड दैट्स ब्रिलियंट इट इज

और वो कैसे बेटर किया जा सकता है